गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास कुछ पीएफ के बारे में कमेंट आया, जिसमें मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि डिटेल्स पीएफ से क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में। तो पीएफ से हम लोग को जो तीन बेनिफिट मिलता है, पीएफ अमाउंट, पेंशन एंड ईटीएलआई, उसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में मेंशन किया हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, इनकेस कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट, ओके। और ईडीएल के बारे में बहुत बंदे को पता नहीं, इसका डिटेल्स में पूरा डाला हूँ, पूरा इनके समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और डिटेल्स के बारे में, ईडीएल के बारे में सब दोस्त लोगों को बोलिए, क्योंकि हम लोग बहुत बंदे लोग को पैसा नहीं मिलता क्योंकि लोगों से नॉलेज नहीं है, ओके। पूरा वीडियो देखिए एंड डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा इनकेस आपको कुछ मुझे डिटेल्स बोलना है, इनकेस आपको और कुछ जानना है, ओके। और सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। और वीडियो देखते वक्त खाली साउंड वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा डिटेल्स। तो सर, अभी हम आप लोगों को डिटेल्स दिखा देते हैं कि एक्चुअली क्या बेनिफिट पीएफ से मिलता है। तो उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, पीएफ से तीन डिटेल्स मिलता है हम लोग को, जो है पीएफ का अमाउंट, प्रोविडेंट फंड अमाउंट हम लोग को मिलता है, ईडीएलआई। तो मैं एक्चुअली डिटेल बताऊंगा व्हाट इज़ ईडीएलआई। ईडीएलआई के बारे में हम लोग को बहुत, हम लोग का एक्चुअली कंट्री में बहुत आदमी को पता नहीं है, तो ईडीएलआई के बारे में हम डिटेल बोलेंगे। उससे पहले मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो है पेंशन स्कीम। सो पेंशन स्कीम भी हम लोग का पीएफ में अभी है। तो हम लोग को तीन चीज़ जो मिलता है, फर्स्ट हम लोग को मिलेगा जो है हम लोग का प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, सेकेंड हम लोग को मिलेगा ईडीएलआई व्हिच इज़ एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, और एक है पेंशन। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रोविडेंट फंड के लिए आपको बेसिकली हम लोग को पीएफ नंबर, यूएन नंबर से हम लोग बेसिकली ज़्यादातर जानते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। इसके छोड़ के ईडीएलआई फैसिलिटी जो इनकेस अवेल करना है आपको, तो आपको मिनिमम आपका पीएफ अकाउंट एक साल का पुराना होना चाहिए, मीन्स कंटिन्यू आपको एक साल यूज़ करना है, ठीक है। और ईडीएलआई क्या है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, मीन्स इनकेस आप कोई कम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं आप, एंड सडनली आपका डेथ हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट और समथिंग, सो आपका फैमिली को ईडीएलआई स्कीम के हिसाब से क्लोज टू 5.5 लाख, 5.5 लाख मिल जाएगा आपको फैमिली को एज ए इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम पीएफ। तो सो ईडीएलआई के लिए जो क्राइटेरिया है, आपका अकाउंट एक साल पुराना होना चाहिए पीएफ अकाउंट, और तब आप ईडीएलआई स्कीम के लिए आप एलिजिबल है। सो ये चीज़ बहुत आदमी को पता नहीं है, मैं आपको बोल रहा था, ईडीएलआई के लिए एक फॉर्म उठाना पड़ता है, पीएफ के साथ ही वो अटैच रहता है फॉर्म, कुछ नहीं करना है, जस्ट एक्सीडेंटल का प्रूफ देना है, तब जाके आप लोग का फैमिली को ये चीज़ मिल जाएगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को फैमिली के साथ भी शेयर करके रखिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग को पता है कि हम लोग एम्प्लॉय पीएफ के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड 12% हर महीने हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बट दैट नॉट दी ऑल थिंग। सो सॉरी 12% बेसिकली ईयरली यू आर कंट्रीब्यूटिंग, एम्प्लॉय हम लोग का कंट्रीब्यूट करता है 3.67% फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फॉर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 8.33%, एंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस 0.5%, मीन्स सो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ, इस चार्ट के हिसाब से हम लोग खाली 12% प्रोविडेंट फंड के लिए डोनेट करते हैं, और एम्प्लॉयर मीन हम लोग कंपनी कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारा चीज़, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए 3.6%, एम्प्लॉय पेंशन के लिए 8.33%, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस विच इज ईडीएलआई उसके लिए 0.5%, ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए 1.1%, एंड ईडीएलआईएस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए 0.01% काउंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोग का एम्प्लॉय पैसा दे रहा है, और इट इज़ मैंडेटरी उन लोग को देना ही है,
तो EDLI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबको पता होना चाहिए EDLI, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया। EDLI के आपको एम्प्लॉय डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत आदमी को पैसा मिल सकता है, बहुत आदमी को जानकारी नहीं रहता है इसलिए पैसा नहीं मिलता है। और लास्ट हम जो टॉपिक है तो मैं कवर कर चुका हूँ, PF नोट जो नॉर्मल प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, EDLI एम्प्लॉय डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस, थर्ड है पेंशन। सो पेंशन के लिए मिनिमम आपको 3-10 ईयर्स सेम PF अकाउंट कंटिन्यू रखना है। ओके, तो पेंशन के लिए इनकेस आप फ्यूचर में पेंशन लेना चाहते हो, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डू नॉट चेंज योर PF अकाउंट रिपीटेडली। एंड और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इनकेस आपका डेथ होता है आपका PF अकाउंट, आप PF पेंशन स्कीम में हैं तो आपका डेथ एक्सीडेंटेड होने से आप EDLI मिलेगा, अलॉन्ग विद डैट आपको पेंशन भी मिलेगा, इसके लिए पेंशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सो डिटेल एक्चुअली आपको जानना है फॉर्म फिलअप के बारे में, मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल डाल दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अभी तो नया फॉर्म निकला है जिसमें एक सिंगल फॉर्म में सब कुछ हो जाता है, बट यू आपको डिटेल्स पूरा रखना, जैसे कि एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर से एक्सीडेंट के डिटेल्स हॉस्पिटल से ठीक से मेंशन करना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है, आपका जो पेंशन है उसके ऊपर। सो डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। सो पेंशन स्कीम के लिए आपको मैंडेटरी 10 साल कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपका PF अकाउंट, सो डू नॉट चेंज योर PF अकाउंट फ्रीक्वेंटली, डोंट चेंज बिकॉज आप पैसा इनकेस कंपनी छोड़ रहे हैं, PF अकाउंट ट्रांसफ़र कर लीजिए दूसरा नया कंपनी में, ठीक है। और इन केस आपको और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको डिटेल्स बोलूँगा। मेरा इस वीडियो का मकसद है आप लोगों को EDLI के बारे में जानकारी देने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेल एवरीवन अबाउट दिस, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ जानना है एक्स्ट्रा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं फॉर्म फिलअप करा मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, विच आई होप तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कितना इजी से हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।